हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। सो हम आ गए हैं एक और सोलो लेवलिंग की गाइड के साथ। सो ये गाइड इट्स मोर ऑफ अ हंटर प्रीव्यू देन अ गाइड। इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि यार अभी काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई हार्पर निकालें या शार्लेट निकालें या नहीं निकालें, ये दो करेक्टर्स के लिए हमें जाना चाहिए, इनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। सो वी आर हेयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, स्पेशली ऑन द न्यू करेक्टर शार्लेट। जो नई करेक्टर आई है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात करने वाले हैं इसमें। आई लेट यू नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप राइट इन। ओके सो दो करेक्टर्स हमारे पास आए थे, आए हैं नए, हार्पर एंड शार्लेट। शार्लेट इज द न्यू वन। आई विल टेल यू गाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो things, you know, no strings attached, direct बता रहा हूँ मैं कि इन दोनों को निकालना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फर्दर ऑन पहले हम ये देख लेते हैं कि ये करेक्टर्स करते गए हैं, शार्लेट एक्चुअली में क्यों कर ली, क्या कर रही है और इसको क्यों निकालना ज़रूरी है, राइट? सो लेट्स जंप इन टू हंटर्स प्रिव्यू और उसमें पहले हम जाते हैं शार्लेट की तरफ। Let's see कि शार्लेट क्या कर सकती है, ठीक है? शार्लेट इज अ मेज टाइप डार्क करेक्टर, डार्क डैमेज करेक्टर, वो आप लोगों को सारों को पता है, ठीक है? काफी अच्छा वो है, स्वैग और स्टाइल उसका काफी अच्छा दिया है। ओ भाई जान, कैन यू इमेजिन के हाउ ब्रोकन दिस करेक्टर इज? और अगर जो जो लोग आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये करेक्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली जो भी SSR करेक्टर्स आ रहे हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन द गेम, वो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी फिलॉसफी है, जिस भी गेम में जो भी गेम आप लोग खेलते हो उसमें जितने भी करेक्टर्स डेवलपर्स निकालते हैं, ठीक है, उनका मकसद एक ही होता है कि हमारे हर करेक्टर को वही प्रायोरिटी मिले, यानी कि सेम प्रायोरिटी मिले। अब उसके लिए वो करते क्या है कि अगर सपोज के मेटा में आपका एलिशिया चल रही थी, आपकी सीयू चल रही थी और आपकी फिशर चल रही थी, राइट? और उनको लग रहा है अब कि यार अब हमें मेटा शिफ्ट करना है, तो ये डेवलपर्स के हाथ में होता है, वो किसी भी वक्त किसी भी करेक्टर को ओपी कर सकते हैं, राइट? तो इससे अच्छा यही है सेफ साइड पे रहने के लिए कि भाईजान जो करेक्टर SSRs आपके रेट अप ड्रॉज में आ रहे हैं उनको निकालो, एटलीस्ट A3 तक, A1 तक, या सिंपल एक दफ़ा तो लाजमी निकालो ताकि वो करेक्टर आपके पास हो, जस्ट इन केस अगर आपको वो ज़रूरत पड़ जाती है। तो सेम गोज विद देयर वेपन्स एज वेल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसकी बात कर लेते हैं। इस हंटर की स्पेशलिटी ये है कि इसका अल्टीमेट जो है वो नॉर्मल अल्टीमेट जैसा नहीं है बाकियों के। बाकियों का अल्टीमेट में तो गेज, यू नो, पावर गेज बढ़ती है फिर जाके आप अल्टीमेट मार सकते हो। इसके अल्टीमेट जो है वो कुछ बेसिक अटैक्स के बाद ही आप अल्टीमेट यूज कर सकते हो और वो बार बार स्पैम कर सकते हो, इट्स स्पैमेबल, राइट? के बाद यार डैश का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हाँ, एग्जैक्टली। सो इसका डैश का बटन अगर आप दबा के रखोगे तो वो शील्ड भी लेगी और डिसअपीयर भी हो जाएगी, मतलब वो गायब भी हो सकती है। सो क्राउड कंट्रोल के टाइम पे या जिस जगह पे आपको लग रहा है कि यार कोई एक ऐसी स्पेशल मूव है जिसको डॉज नहीं किया जा सकता, एनिमीज की जिसको डॉज नहीं किया जा सकता, You can just dash and disappear. This is a game changing. ये जो इन्होंने सिस्टम इसमें निकाल दिया है कि अब मुझे ये तजस्सुस हो रहा है कि क्या आगे भी ऐसे कोई करेक्टर्स आने वाले हैं जिनकी यू नो अल्टीमेट स्किल्स वगैरह आप बेसिक अटैक्स के बाद यूज कर सकोगे, दैट इज क्रेजी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपनी डैश को मिड डैश में चेंज कर सकती है डायरेक्शन, यानी कि अगर आपने आगे की डैश की है तो साथ ही आप उसी डैश के बीच में लेफ्ट साइड में जा सकते हो। So this is crazy. So let's test it out, जो ये बता रहे हैं, ठीक है? Yes, चलो। So the basic attack combos will be executed when use basic attacks consecutively, ठीक है? So वो तो आपको पता है, ये जो X लिखा हुआ आ रहा है नीचे कोने पे, ये जगह जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसके साइड पे एक मीटर चलता रहता है जब आप बेसिक अटैक करते हो, राइट? वो मीटर जब फुल होता है तो आप बेसिक अटैक्स का स्पेशल बेसिक अटैक मार सकते हो, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हो एक स्पेशल मूव जो बेसिक अटैक्स का मीटर फिल होने के बाद आती है, राइट? तो वो यही बता, आई थिंक फिल होगा तो वो अल्टीमेट ना आ जाए, ये भी यू नेवर नो। सो लेट्स सी। ओके
सो बेसिक अटैक्स, ओ भाई ये चेक करो, ये थी उसकी एग्जीक्यूशन कितनी डिफरेंट की है यार, वो डॉल्स के साथ मार रही है ना भाई, एक वो नियॉन साइन अच्छा आ गया। अच्छा अब वो कह रहा है यू कैन यूज अ कोर अटैक बाय फिलिंग अप द कोर गेज बाय यूजिंग बेसिक अटैक्स एंड स्किल्स, ठीक है। सो अब आप जब स्किल्स और बेसिक अटैक्स दोनों मारते हो तो आपकी कोर अटैक जो है वो आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। सो लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। ये आपका कोर अटैक, ठीक है, ये जो लोड होके इसने बॉल मारा था। फॉर शार्लेट्स बेसिक स्किल वन शी थ्रोज एन इसला डॉल आइला डॉल समथिंग लाइक दैट आइला डॉल दैट ट्रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड पुल्स द अटेंशन ऑफ नियर बाय एनिमीज बिफोर एक्सप्लोडिंग। सो बेसिकली दिस करेक्टर इज टोटल क्राउड कंट्रोल करेक्टर, जैसे मुझे उसकी अल्ट से भी यही लग रहा था, वो जो पड़ा था ना कि वो गायब हो जाती है, शील्ड आ जाती है, तो उसका मतलब यही है कि ये क्राउड कंट्रोल, जहाँ पे ज्यादा एनिमीज है ना उधर ये काफी अच्छा काम करेगी। ये एक डॉल फेंकती है जो तीन में बदल जाती है और वो सारी अटेंशन ले लेते उन बंदों की फटने से पहले। सो अभी ये फटेंगी और वो डैमेज दे रही है, कमाल यार। चार्लेट राइड्स ऑन हार्पर्स डॉल हेड फॉर बेसिक स्किल टू विच इट्स एक्टिवेट यू कैन यूज द कंट्रोल्स टू मूव द डॉल इटसेल्फ। ओ भाईजान, सो वो अपनी जो दोस्त है या बहन है जो भी है, हार्पर की डॉल है, वो बड़ी हो जाएगी और आप उस डॉल के ऊपर चढ़ जाओगे, कंट्रोल भी कर सकते हो और फिर आप उस डॉल को भी कंट्रोल कर सकते हो। क्या बात है, चेक करते हैं वो चेक भाई। सो आप कंट्रोल कर रहे हो और आप डैमेज भी देते हो, क्या बात है, दिस इज क्रेजी ब्रो। ऑलराइट, शार्लेट्स डैश नहीं शार्लेट्स का शार्लेट कैन एंटर अ स्टेट वेयर हर डैश बिकम्स अ स्पेशल चार्जिंग स्किल यू कैन डायरेक्ट, शी गेन्स अ शील्ड इफेक्ट व्हाइल दीज डैशेस आर एक्टिवेटेड। सो जो हम डैश की बात कर रहे थे वो ट्राई करते हैं, वो चेक कर भाई, स्पीड है यार। अभी मैंने दबा के रखे और ये सिंगल डैश था, कितना लंबा है भाई ये डैश, कितने देर के लिए। यस, शार्लेट डज नॉट चार्ज पावर गेज, इंस्टेड हर अल्टीमेट स्किल बिकम्स एक्टिव आफ्टर यूजिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ बेसिक अटैक्स। सो अल्टीमेट जो है उसकी स्किल्स से नहीं आएगी, उन्होंने लिखा हुआ है बेसिक अटैक्स से आएगी, विच मीन्स इनसे वो चार्ज नहीं होगी, इससे चार्ज होगी बेसिक अटैक से। सो बेसिकली शार्लेट के साथ अगर आप वो वाला स्टोन का शेडो डालो जो आपके बेसिक अटैक्स बढ़ा देता है, तो जल्दी शार्लेट इज मेनली फोकस्ड ऑन द डैमेज। शार्लेट जो अपना मेन डैमेज देगी वो अपने बेसिक अटैक्स से देने वाली है। सो लेट्स सी, ये वो हम मार रहे हैं और उसकी अल्ट आ गई है, राइट। ओ भाई वो चेक कर, ओए। अब ये देखते हैं कि अल्ट कितनी देर में आती है, राइट। आ जाओ आ जाओ, आई वांट टू लर्न टू डिफीट देम बिफोर यू। ओके, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अल्ट कितनी देर में आएगी। पावर गेज तो नहीं, लोड तो नहीं हो रही अभी तक नीचे। हाँ, सर्टेन बेसिक अटैक्स के बाद ये ले आओ। बड़ी जल्दी आई है यार, दिस इज नाइस, दिस इज क्रेजी। जैसे टैग आपने मारे और वो आ गई और उसकी अल्ट देख, वो भी क्राउड कंट्रोल है कि जहां ज्यादा एनिमीज है वहां पे वो काफी एरिया डैमेज दे रही है। ये देख, अब वो इनको मारने लग जाएगा। यस, और आप डैश करके घूम सकते हो, चेक करो जरा यार, दिस इज क्रेजी। चल भाई यार, ये मूवी काफी अच्छी है और वो हमें लग ही नहीं रही। हां, और ये चेक करो, अल्ट एनिमेशन काफी अच्छी बनाई है यार। तबाह हो गया भाई। ओ भाई जान, दिस कैरेक्टर इज क्रेजी। दिस कैरेक्टर इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स जो आपको अपनी किट में लाजमी रख रहे हैं। और आई थिंक इसका मेटा भी आएगा जरूर। यस, अभी चल रहेगा इसका मेटा, अभी ही चलेगा। अगर आप डार्क हंटर्स के वो क्लियर करना चाहते हो, जो उन्होंने अब गेम चेंजिंग बॉसेस दे दिए इन कोर मिशंस में, डार्क वाले जो डार्क एलिमेंट वाले हैं, डार्क डैमेज वाले हैं, जैसे कि ये है रिकमेंडेड एलिमेंट डार्क काइसल, राइट, इसको मारना चाहते हो तो यू नीड गुड डार्क हंटर्स, और यही वो हंटर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, राइट। इस पर भी हम गाइड बनाएंगे काइसल को
ज़्यादा 20 लेवल तक या मैक्स लेवल तक किस तरह से मारना है, या क्या इजी वे आउट है, या कौन से करेक्टर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और इन करेक्टर्स को बिल्ड कैसे करना है शार्लेट वगैरह को, वो भी हम आपको बताएंगे। सो शार्लेट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज करेक्टर्स जो आपको लेनी चाहिए विदाउट अ डाउट, गारंटीड ये आपके बहुत काम आने वाली है, राइट? और वैसे भी ये लोग अब मेटा शिफ्ट कर रहे हैं वाटर स्टाइल को पीछे करके, ये लोग बाकी एलिमेंट्स को आगे कर रहे हैं जिसमें फायर एलिमेंट, डार्क एलिमेंट, विंड एलिमेंट, ये तीन तो अभी लाइट भी, ऑलमोस्ट लाइट एलिमेंट भी, तो ये बाकी, क्योंकि सारों को पता था मोस्टली जो F2P वाले थे या बाकी प्लेयर्स थे वो वाटर डैमेज पर फोकस कर रहे थे वल्कन की वजह से, राइट? वो उन करेक्टर्स को ज़्यादा बिल्डअप कर रहे थे, पर अभी टाइम आ गया है कि लाइट करेक्टर्स, डार्क करेक्टर्स, विंड करेक्टर्स और आपका फायर करेक्टर्स रेडी कर लो, या फायर हंटर्स, उनको भी तैयार करना ज़रूरी है। और डार्क में आई थिंक ये दोनों ही क्रेजी हैं। चलते हैं हार्पर की तरफ, और हार्पर का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या करती है, राइट? Alright, so Harper में Harper gets up close and personal to attacks. Her critical hit rate and critical hit damage increases when using basic skill 1. ठीक है? When her basic skill 2 hits enemies, it inflicts the pork chop effect, causing them to take more ultimate skill damage from dark hunters. So, basically, वो बता ये रहा है कि अगर Harper जो है वो अब, ये जो थी शार्लेट जो थी वो लॉन्ग रेंज में कर रही थी फायर, राइट? क्राउड कंट्रोल और लॉन्ग रेंज मेज है। हार्पर जो है वो ब्रूजर टाइप है, ठीक है? तो वो हेड ऑन मुंह पे चढ़ के मारती है, ठीक है? और इसकी जो पहली स्किल है वो आपका क्रिटिकल हिट रेट और क्रिटिकल हिट डैमेज इंक्रीज करती है, जो बेसिक स्किल 1 है, जो ये है वाई पे, ठीक है? और इसकी जो दूसरी स्किल है वो पॉक चॉप्ड इफेक्ट देती है, जिसमें ये पाउंस करती है, डस 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 मारती जाती है वो हथौड़े, राइट? और उसके बाद जब ये दूसरी स्किल इसकी लग जाती है तो डार्क हंटर्स के जो भी अल्ट होती है उसका डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? अब आप ये सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी आपको मैंने शार्लेट बताया, ठीक है? अगर आपके पास ये दोनों हंटर्स हैं और इन दोनों को आप एक ही टीम में लेके जाते हो, भाई इस हंटर से, यानी कि जिसका नाम है हार्पर, हार्पर से आप शील्ड फारिक करोगे उसकी और पॉक चॉप इफेक्ट मारोगे, और उसके बाद आप शार्लेट पे चेंज कर लोगे जिसकी अल्टीमेट बार बार आती जाती है, तो उसका डैमेज कहाँ पे, इन दोनों का पेयर अप होकर इन दोनों की पावर्स किस लेवल पे जाती हैं या डैमेज किस लेवल पर जाएगा, दैट वुड बी क्रेजी एज हेल। सो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग शार्लेट, ये भी जरूरी है कि यू गेट हार्पर एज वेल, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके जब इनका डैमेज बढ़ेगा तो वो बहुत हाई जाने वाला है, या हाईली एफिशिएंट होने वाला है इनका डार्क उसमें स्पेशली, ठीक है? सो मूव ऑन करते हैं। बेसिक अटैक कॉम्बोज विल बी एक्सिक्यूटेड व्हेन यू यूज बेसिक अटैक्स कंसेक्यूटिवली। सो बेसिक अटैक वही बात कर रहा है, वही कॉम्बो वाले, हर किसी का यही होता है, हर हंटर का यही होता है कि बेसिक अटैक्स अगर मारते जाओगे तो उसका एक अटैक कॉम्बो भी एग्जीक्यूट होती है। सो ट्राई करते हैं, ये चेक करो जरा, ये अब ये एग्जीक्यूशन है, ये एग्जीक्यूशन उसकी कॉम्बो की थी, ठीक है? यू कैन यूज अ कोर अटैक बाय फिलिंग अ कोर गेज यूजिंग बेसिक अटैक्स एंड स्किल्स। व्हेन द कोर अटैक लैंड्स इट इन्फ्लिक्ट्स द पैरालाइज इफेक्ट ऑन द टारगेट। सो ये पैरालाइज भी कर देती है, कुछ सेकंड के लिए आपका एनिमी हिल नहीं सकेगा और वो पैरालाइज हो जाएगा, विच इज ग्रेट। चलो ओके, लेट्स टेस्ट दैट आउट। ये देखो वो पैरालाइज हो गया, उसके ऊपर वो येलो सा मार्कर बना हुआ आ रहा था, दैट मींस कि वो पैरालाइज हो गया। ओके, हार्पर राइड्स हर हैमर टुवर्ड्स एनिमीज विद हर बेसिक स्किल 1। लेट्स ट्राई दैट। ओ चेक कर। ओके, so during her basic skill 2, Harper strikes downward quickly while the skill button is held down. So basically जो B ये वाली ability है, ये आपको दबा के रखनी है button को, तभी ये full attack खोलेगी अपना। When her basic skills 2 hits enemies, inflicts the pork chopped effect,
causing them to take more ultimate skill damage from dark hunters. ठीक है, so let's try that out. ये चेक करो. ओ भाई. Continuous मारी जा रही है यार. Crazy. During her ultimate skill, Harper throws her hammer, dealing wide area of effect damage. Okay. चलो भाई चेक करते हैं. अब ये भी चेक करते हैं, लेकिन पहले ये मारेंगे ताकि डैमेज बढ़ जाए. पॉक चॉप इफेक्ट आ गया ऊपर, देख उसके बार के नीचे 12 लिखा हुआ है. ठीक है, और आप जब अल्ट मारोगे, उफ नाइस. ओके, अच्छा है, वो डैमेज होना उसको बंद हो गया, अल्ट हो गया ना, वो उस तरह नहीं दिखा रहा. ओके, यूज एवरीथिंग यू हैव लर्न टू डिफीट द एनिमीज बिफोर यू कैन. ओके, ओ भाई जान, क्रेजी हैं ये दोनों ही, क्रेजी हैं बिल्कुल यार. लुक एट दैट, पाल हो गया. हार्ले क्वीन की बहन लग रही है ये. नाइस, ऑलराइट, लेट्स ट्राई के बॉस को मारना भाई जान. ब्रेक, अच्छा इसकी हर एबिलिटी ब्रेक भी करती है शार्लेट की. ओ हार्पर की, सॉरी, हार्पर की हर एबिलिटी ब्रेक भी करती है और एम्पावर भी करती है आगे के अटैक्स वगैरह को, विच इज क्रेजी. यू गाइस डू नीड टू हैव बोथ दीज कैरेक्टर्स, स्पेशली शार्लेट एज वेल. दिस वीडियो इज सोली बेस्ड के हम शार्लेट की बात कर रहे हैं और शार्लेट के बारे में ही ज़्यादा बात बात होगी. ठीक है, अब शार्लेट में अगर हम करेक्टर्स में चले जाएं, ठीक है, सो दिस इज शार्लेट. ठीक है, और मैक्स पे इसका टोटल पावर जा रहा है 45,000 पे. अच्छा, अब ये स्केल कैसे करती है, ये उसका वेपन है. ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि ये स्केल कैसे करती है, शार्लेट को सेट्स वगैरह या वो जो है वो कौन से ज़्यादा अच्छे से जाएंगे मेरे ख्याल से, या उसकी एबिलिटीज़ वगैरह किस तरह से डैमेज, डार्क डैमेज दे रही हैं ये तो पता है बेसिक. उसके बाद ये बेसिक अटैक को ही जब वो चार्ज होके कोर अटैक मारती है वो ये है. ठीक है, और वो 1233% का डैमेज दे रहा है भाई ऑफ द यूजर्स डिफेंस. सो डैमेज इज 1233% ऑफ द यूजर्स डिफेंस. सो बेसिकली दिस कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन डिफेंस. यस, कि ये मेरे ख्याल से डिफेंस से इसके, हाँ ये हर चीज उसकी डिफेंस से स्केल करेगी. शार्लेट्स डिफेंस, when the doll explodes it deals additional damage equal to 350% of charlotte's defense. moving on, charlotte ka aap special costume bhi nikal sakte ho. jab aap secret library mein jaoge to yahan pe uska ek chroma nikal sakta hai, special costume nahi, chroma aap ek aur nikal sakte ho charlotte ka bhi aur harper ka bhi. yes, theek hai, harper ka bhi aap special costume mein वो निकाल सकते हो, क्रोमा निकाल सकते हो. ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हार्पर से ही रिलेटेड जो है वो आपका इवेंट भी चल रहा है, शार्लेट एंड हार्पर ग्रोथ का. ठीक है, और इससे आप जब आपका कोई भी एक करेक्टर निकलता है उसको लेवल अप वगैरह करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें आखिरी चीज जो ये है वो इनमें से किसी एक का आप वेपन निकाल सकते हो, स्पेशल वेपन वगैरह निकाल सकते हो. ठीक है, उसके अलावा इसका वेपन आपको कहाँ से मिलेगा, स्पेशल डाइस इवेंट पे भी जब आप चक्कर वगैरह पूरे करोगे तो हर एक चक्कर के बाद जब आप ये ले चुके होगे सारे, इधर से तो एक मिल रहा है, ठीक है, एक और वो वाला मिल रहा है जिसपे आप डायरेक्ट वेपन निकाल सकते हो, तो किसी को A1 या दोनों के एक एक वेपन ले सकते हो. ठीक है, उसके अलावा जब एवरी टाइम यू कंप्लीट दिस राउंड, बीच में तो ये चीज़ें मिल रही हैं ना, दो दो टुकड़े मिल रहे हैं इनके वेपन्स के क्राफ्टिंग के लिए, लेकिन ईच टाइम यू कंप्लीट द डाइस राउंड तो उसके बाद आपको ये हर दफा 10 चिप्स मिलेंगी, और 100 चिप्स पे आप क्राफ्टिंग में जाकर, इवेंट पे जाकर इनकी ये डॉल्स क्राफ्ट कर सकते हो. सो जैसे कि हार्पर की 46 out of 100 हुआ है, 100 out of 100 होगा तो मैं एक और वेपन इसका क्राफ्ट कर लूंगा और वो A1 हो जाएगा. इसी तरह उसका डॉल जो है वो 24 out of 100 हुआ है, एक और मिलेगी तो आई कैन क्राफ्ट इट एंड मेक इट A1. आई थिंक मैंने ये दोनों वेपन्स अनलॉक कर लिए थे क्योंकि मैं तो शार्लेट को छोड़ने वाला नहीं हूँ. हार्पर मेरी ऑलरेडी निकल चुकी है, राइट? यस, सो मैंने ये वेपन भी क्राफ्ट किया हुआ है और ये भी हमें मिल चुका है दोनों का, राइट?
सो ऑल वी हैव टू डू इज कि जितने डुप्लीकेट्स हम इसके बना सकते हैं उतने डुप्लीकेट्स हम लोग इस वेपन के भी बनाएं और इनको पावर अप करें। जहां तक हंटर्स की बात आती है तो हार्पर हमारी निकल चुकी थी 85 लेवल पर, उसको हमने कर दिया है। स्किल्स हमने उसके सारे लेवल 5 पे कर दिए हैं ऑलमोस्ट, और हम बढ़ाते जाएंगे आगे जाके लेवल जैसे ही जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा। आर्टिफैक्ट्स जो हार्पर पे जाते हैं, एज यू ऑल नो कि वो ब्रेक कर रही है हार्पर, हार्पर की हर एबिलिटी और स्किल जो है, ये देख रहे हो ये वीक ब्रेक कर रहा है, ये मीडियम ब्रेक कर रहा है, ये एबिलिटी मीडियम ब्रेक कर रही है, ये एबिलिटी ऑल माइटी ब्रेक करती है। दिस एबिलिटी डज ऑल माइटी ब्रेक इन डार्क डैमेज, ठीक है। ये एबिलिटी भी मीडियम ब्रेक करती है, ये एबिलिटी भी मीडियम ब्रेक करती है, मतलब स्किल, और फिर उसकी इटसेल्फ अल्ट है, राइट। सो आई थिंक कि आप सारों को ही पता है कि जो ब्रेक कर रहे हैं उन पे आपने कौन सा सेट लगाना है, विच इज ग्रीड सेट, राइट। सो हमने ग्रीड सेट लगा दिया, अब इसको लेवल अप नहीं किया। हम जल्द से जल्द यही ट्राई करें कि अपने जितने भी करेक्टर्स हैं जिनके वो सेट्स कंप्लीट होने से रह गए हैं उनको हम लेवल 20 पे जल्द से जल्द लेवल 20 पूरा कर सकें। स्पेशली इसके मैकेनिक्स बाकी सारे हंटर्स से डिफरेंट है। शार्लेट के जितने भी मैकेनिक्स हैं जो आपको अभी हमने शो किए वो सारे हंटर्स से डिफरेंट है, राइट। और इनफैक्ट लेट्स ट्राई कि क्या पता हमारे निकल आए, 4 टिकट्स में ट्राई करते हैं, लेट्स सी। अगर निकल आती है इस एपिसोड में तो क्या ही बात है, मतलब शार्लेट का इंट्रोडक्शन भी हो गया और शार्लेट भी निकल आई। वी गोना स्किप राइट अहेड, नॉट गोना वेस्ट एनी टाइम। दे दे भाई, दे 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 दे, आ जा, लास्ट चांस, लेट्स सी। नहीं, बट निकाल लूंगा मैं शार्लेट छोड़ने नहीं वाला, आई विल टेक इट आउट। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टूडेज एपिसोड, और आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्या शार्लेट और हार्पर को निकालना चाहिए, क्या ये वर्थ है या नहीं है। ये दोनों बहुत वर्थ हैं, और मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है, जब जितनी हम लोगों ने गाइड्स बनाई हैं, जो मुझे समझ आती है कि ये करेक्टर आगे बहुत काम आने वाली हैं, ये दोनों करेक्टर्स स्पेशली, तो शार्लेट भी काफ़ी काम आने वाली है करेक्टर्स, बिकॉज उन लोगों ने स्पेशली जो ये मोड्स निकाले हैं, इनकोर के नए मोड्स निकाले हैं जिसमें काफ़ी बॉसेस वगैरह आते हैं जो डार्क डैमेज टाइप हैं। और फिर जब आप इंस्टेंस डंजन पे जाते हो फॉर एग्जांपल, और आप एग्रेस पे जाते हो, रिकमेंडेड एलिमेंट ये है। अब आप लेटर ऑन 18, 19, 20 या चैलेंजर पे पहुंचोगे तो कल तो आप बाकी करेक्टर्स हंटर से लोगे, लेकिन अगर आपके यही एलिमेंट वाले ज़्यादा अच्छे हुए हैं तो आपको और ज़्यादा आसानी होने वाली है, राइट। हर एलिमेंट के जो एलिमेंट रिकमेंडेड है उस एलिमेंट से ही मारोगे तो आप आसानी से क्लियर कर सकोगे उन चीज़ों को, और उनको डैमेज भी एक्स्ट्रा दे सकोगे, यानी कि फ्री के मल्टीप्लायर्स हैं डैमेज में, राइट। सो इसके साथ ही आई गेस दिस इज अबाउट इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग, और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो जल्दी से जाओ और शार्लेट और हार्पर को पुल करने की कोशिश करो, और हम भी करते हैं। हार्पर तो हमारी निकल आई, शार्लेट को और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि निकाल सके हम लोग। तब तक के लिए यू गाइस नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, कमेंट डाउन बिलो, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वी विल सी यू अगेन विद अनदर लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले वॉक थ्रूस और गेम प्ले ट्रेलर रिएक्शंस। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हमें दुआ में याद रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।